शिष्य गुरु तथागत गुरु के चरणों में सदासमान। दुनिया में भारत की पहचान को देने वाले इस देश में हमारा इतिहास बनाने वाले परम पूज्य सम्राट अशोक के चरणों में सदासमान। बोधिसत्व कबीर साहब, बोधिसत्व रविदास जी, परम पूज्य जेतवा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नारायण गुरु एवं गाड़के महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन। आज के इस कार्यक्रम के आरक्षण रस क्रांति महारैली के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए माननीय आरके सिंह अम्बेडकर साहब, एबीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय डॉक्टर एम पी सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय गुरमीत जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई अभिराम जी, उत्तर प्रदेश के महासचिव सम्मानीय खादिम जी एवं सम्मानीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, पिछड़ागढ़ के राष्ट्रीय संयोजक, इस कार्यक्रम में बैठी हुई हमारे पूरे देश से आई हुई परम सम्मानीय बहनों, एबीएसएस के कार्यकर्ता बंधुओं, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में आए हुए हमारे बहादुर शिक्षक साथियों एवं देश के अन्य कोने में इस बात को सुन रहे सम्मानीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक समाज के देशवासियों, आज का आपका ये कार्यक्रम ये जनता मंत्र का अकेला कार्यक्रम नहीं है। देश की 100 करोड़ जनता जो हकवंच समाज की जो 100 करोड़ देश की जनता है वो आज इस कार्यक्रम को बड़ी आशा की दृष्टि से देख रही है कि आज का ये कार्यक्रम देश को कुछ नई दिशा देगा। आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन सम्मानीय आरपी सिंह साहब ने पूरे देश के अंदर चलाया है, देश के अंदर एक क्रांति जगाने का काम कर दिया। आज प्रदेश की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमें आपको आज ये तय करना है कि देश की दिशा क्या होगी। देश की दिशा 15% के लोग तय नहीं करते हैं, देश की दिशा 85% के लोग तय करते हैं। ये भारत का इतिहास है। जब भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो भारत की पहचान 85% के सम्राट अशोक तथागत बुद्ध के रूप में वहां पहचान की जाती है। हमारी आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें आपको मजबूत करते हुए आगे बढ़ाना है। 2012 में जब प्रमोशन में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर दिया था तो जो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह का, जो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह का बचुआ था उसने अपने चचुआ के इशारे पर ये कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश में प्रमोशन करने का काम किया। जब 2017 का चुनाव आया तो आपने उसे चचुआ को और बचुआ को कमीशन करने का काम किया। अब हमारे आपके सामने देश के प्रधानमंत्री से हमारी आपकी लड़ाई है। देश का प्रधानमंत्री इस देश के
करोड़ों 125 करोड़ करोड़ों लोगों को 125 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार से धोखा देने का काम कर रहा है। 2012 के पहले जब राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था तो इन्हीं के लोगों ने राज्यसभा में बिल पारित करने का काम किया था, लेकिन 2014 के बाद इनकी सरकार आई, इन्होंने इस बिल के लोकसभा में पारित करने का काम नहीं किया। इस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के पछुआ और कछुआ को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो भेकू प्रधानमंत्री है, हम सारे के सारे लोग मिलकर के 2019 में इसको देश की सत्ता से बाहर कर दे। टर्मिनेशन करने वालों को, प्रमोशन करने वालों को, प्रमोशन करने वालों को आपको टर्मिनेशन करना होगा। अगर इनका टर्मिनेशन अगर आपने नहीं किया तो हमारा आपका इतिहास देश के अंदर ये मिटाने का काम करेंगे। ये लोग देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग गूंगे और बहरे हैं, आपकी बात को एक अंबिका से नहीं सुनते हैं। लेकिन आज की जो अगस्त मारे भी है, ये देश के अंदर एक दिशा तय करेगी। माननीय आरपी सिंह अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से पूरे देश में गर्मियों में, जाड़ों में, बरसातों में जाने का काम किया, गली गली पर जाने का काम किया, यह देश के लिए एक शुभ संकेत है। हमें आपको मिलकर के देश के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जितना बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है, यह दुनिया के सामने छुपा नहीं है। सहारनपुर की घटना हो, रोहतवा मुला का मामला हो, गुजरात के दलितों की हत्या हो, इन समस्याओं को लेकर के इस देश के 15% के लोग 85% के ऊपर धावा बोलने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग देश के अंदर भयभीत है। इस मंच के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों से आह्वान करते हैं, किस देश में आप अकेले नहीं हो, 85% लोग आपके साथ में हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझें, 85% के लोग आपके साथ में हैं। और प्रमोशन के रिजर्वेशन की सुनवाई को परम सम्मानीय इंजीनियर आरपी सिंह अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से इसको लड़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश के सारे सभी शिक्षक उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।